आप लोगों ने यहाँ तक तो देखा मेरी मायके से विदाई कैसे हुई, मम्मी पापा भाई कैसे सब लोग रो रहे थे। और आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूँ, डिलीवरी के लिए मैं यहाँ पे आई थी। मेरा प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा था तब से मैं यहाँ पे थी। सो 4 महीने के बाद फाइनली मायके से जा रही हूँ। सब लोगों ने रोते रोते इस तरह से विदाई की। तो अभी आगे मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी कि घर पे जाने के बाद मेरी बेबी को हम लोग फर्स्ट टाइम अपने घर लेके गए हैं। सो कैसे वेलकम हुआ। लेकिन हम लोग बहुत रात को पहुँचे थे और सामान भी बहुत सारा ऊपर पहुँचाने में बहुत टाइम लगा था। सो ज़्यादा कोई हम लोगों ने डेकोरेशन वगैरह तो नहीं करवाया। लेकिन क्रीवा की बर्थडे, हाँ क्रीवा की बर्थडे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे वेलकम बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया, कोई ज़्यादा फैंसी ज़्यादा कुछ नहीं किया। रात का टाइम था तो आरती भी मम्मी ने नहीं की, सिर्फ पानी से हम लोगों ने, गुजराती में बोलते हैं पानी से ओवर ना, मतलब आगे आप लोगों के वहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता। सो हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं। मम्मी पहले घर पे गई पानी लेकर आई, और इस तरह से मेरा और क्रीवा का अपने घर में वेलकम किया। डेनिस भी साथ में ही थे पीछे। सबसे पहले ये पितृदेव यानी ये मेरे इन लॉज है, मेरे सास एंड ससुर, वो लोग इस दुनिया में नहीं है। यस आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूँ, सबसे पहले क्रीवा को उनके पास लेके गए। इसके बाद मंदिर में लेके गए, जो हमारा हमारे घर का छोटा सा प्यारा सा मंदिर है वहाँ पे लेके गए, क्योंकि क्रीवा फर्स्ट टाइम आई थी और मैं भी क्रीवा को लेके फर्स्ट टाइम आई थी। सो मम्मी ने लाइट ऑन की और भगवान जी को थैंक यू बोला। जब गाइस मैं यहाँ से गई थी ना डिलीवरी के लिए, तो भगवान जी को बहुत दिल से प्रे किया था मैंने कि वैसे तो आप जो भी देंगे एक्सेप्ट करेंगे, खुशी खुशी वेलकम करेंगे, लेकिन बहुत मेरी और डेनिस की बहुत दिल से इच्छा है कि आप एक हमें लड़की दे दो। तो फाइनली आज भगवान जी ने हमारी सुन ली और प्यारी सी एकदम क्यूट सी गुड़िया हमें मिल गई, और बस कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस बस अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही, हाँ हम लोग थोड़ी देर पहले ही घर पे आए हैं। और घर की हालत, हम लोग साफ सफाई करके गए थे, फिर भी आप लोगों ने देखा ही होगा कर्टन वगैरह सारा कुछ नहीं लगा है। बस हम लोगों ने थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह है डीपली क्लीन किया था, घर को वॉश किया था, और ज़्यादा कुछ साफ सफाई हमने नहीं की। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ का जो कर्टन है वो भी हम लोगों ने निकाल दिया था। ये सारे कर्टन मम्मी के घर में लेकर गई थी वॉश करने के लिए, मैंने डेनिस लेके गए थे। डेनिस आते रहते हैं यहाँ पे, मतलब डेनिस आते रहते थे यहाँ पे बीच बीच में। और क्रीवा का भी मुंह आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, क्रीवा की जो फेस के ऊपर स्माइल है वो चली गई है, और मम्मी भी ये रही है देखो गाइस। और पता नहीं ऐसी कैसे वीडियो की क्वालिटी, ओके आप ठीक है। क्रीवा को ना हमने थोड़ा खुला कर दिया, क्रीवा को ना हमने थोड़ा खुला कर दिया। और गाइस क्रीवा मेरी ये रही, मम्मी नीचे गई है क्योंकि नीचे से बहुत सारे सामान जो है वो ऊपर लाना है, इसलिए क्रीवा को जो भी टोपी वगैरह था वो था वो मतलब खुला कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी बहुत है। सो अभी क्रीवा थोड़ा बेटर फील कर रही है ना। ठीक गाइस, मम्मी और बाकी सब लोग नीचे है, डेनिस भी नीचे ही है और भाई भी नीचे ही है, सामान ऊपर लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सामान है, और क्रीवा के साथ भी कोई होना जरूरी है। सो मैं क्रीवा के साथ हूँ, और यहाँ पे बेडशीट भी नहीं लगी है, बेडशीट भी मुझे लगानी है। उस दिन मैं आई थी ना साफ सफाई करने के लिए, तो तभी मैंने क्या किया था, बेडशीट वगैरह सब कुछ वॉश करने के लिए मैं अपनी मम्मी के घर लेके गई थी। तो वो सारी बेडशीट जब आएगी, और कल ही शायद मैं बेडशीट वगैरह जो भी कर्टन वगैरह है वो लगाऊंगी। अभी तो वैसे बिल्कुल भी हालत नहीं है, और हम लोग डिनर घर पे बना के ही लेके आए थे, मम्मी के घर से डिनर बना के लेके आए थे। पापा और भाई के लिए भी बना के वहाँ पे रख के आए, और हम लोगों के लिए भी यहाँ पे लेके आए। तो बस डिनर करके सोना है, बाकी तो सच बताऊँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही हूँ, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये जो दिमाग है ना वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया है बस। हाँ तो गाइस भाई और डेनिस आ गए थे क्योंकि सामान कहाँ पे रखाना है, मैं सोच रही हूँ ये बाजू वाला रूम है ना वहाँ पे मैं सारा सामान रखवा दूँगी, क्योंकि फिर ये एक दिन का तो काम है नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही होगा मेरे से, क्योंकि सारे जो कपड़े हैं आधे वॉश किए हुए हैं आधे बाकी हैं। और नानी क्रीवा के साथ खेल रहे हैं,
सच बताऊँ ना गाइस, यहाँ पे आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा मतलब मुझे मतलब टेंशन भी आ गया है कि अभी कैसे सब होगा, क्योंकि जब से क्रीवा आई है, क्रीवा का बर्थ हुआ है, तब से नानी हाउस ही थे हम लोग, मामा के घर पे ही थे क्रीवा के, और अभी सडनली सब कुछ अभी चेंज हो जाएगा और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं, हमें ही उठानी है। और एक बात बहुत अच्छी है कि मम्मी फाइनली हमारे साथ आई है, तो मम्मी अभी यहाँ पे 2-3 दिन रुकने वाली है, तो ये बात मैं मतलब थोड़ा इसलिए भी मैं बेटर फील कर रही हूँ कि मम्मी है यहाँ पे। अगर क्रीवा रोएगी या फिर क्रीवा के लिए अगर ये माहौल थोड़ा नया होगा तो मम्मी संभाल लेगी। और बाकी अभी तो रो तो नहीं रही है, बहुत एंजॉय कर रही है क्योंकि क्रीवा का पेट ना फुल है। मम्मा ने खतरनाक जो गर्मी गाइस, यहाँ पे नवसारी में बहुत ज्यादा गर्मी है। सो अभी मैं सोच रही हूँ कपड़े चेंज करवा दूँ, क्योंकि क्रीवा को लॉन्ग स्लीव का ये जो फ्रॉक। और हाँ गाइस, आज क्रीवा ने न्यू कपड़े पहने हैं जो नाना नानी ने गिफ्ट में दिए हैं, फर्स्ट प्राइज में मंगवाए हैं बहुत सारे कपड़े क्रीवा के लिए। चलिए बाद में मिलती हूँ गाइस, अभी बहुत सारे काम है। अरे ऊपर लाइट क्यों नहीं देखा थे क्रीवा? क्रीवा मामू हाउस ऊपर लाइट थे क्या? मामू हाउस लाइट थे क्या ऊपर? अरे ऊपर लाइट नथी देखा थी। अरे मामू ना गले के लाओ ना डिको ए चिको क्यों? अरे मोबाइल से खाई हो जो ने नो दर मोबाइल मा क्यों मोबाइल मा जोई ए डिको? बाय 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 डिको। मामू ने मर लियो तो हक कर लो बराबर, मामू ने हक कर लियो। बहुत अच्छा है क्या कम है, बहुत कम है। हमें जल्दी जल्दी सनी लवी आ गई जो पाँच लाख के ठीक है। हाँ सैटरडे संडे आप आ गई जाए सो बाय। और लाइट रह मालूम नहीं क्या यहाँ अबे लेडू ने का लाइट ना खाई ले वो अबे लाइट ना खाई पड़ता है मामू हाउस मोटी मोटी लाइट छे ले बाप ले काली दी बोले बाप ले चल मेरे को बाय शांति दी जजे शांति दी जना शांति दी पूछी जाए के फोन कर चल ले शांति दी बे सॉरी अरे मां तो हमारे बता दे बे चल आई बे ना हच बे बोलो जे पूरी लगा मंडल जे हां साथ में तो मर तो जजे का टेंशन नहीं है मामा के ना चिको बाय 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 बाय। अबे आने मामा को नहीं बोला ना कितने रोज रोज मटन मामा बोला है क्या? दादा नौ तारीख के दिन हमारा मामा माता चुन नौ तारीख बाय बाय। पापा ने भी जो ना खाईले जरूर होंगे पापा ने देही के कौन होंगे भाई फोन। सो गाइस हमें भाई छोड़ने के बाद चला गया था, यहाँ पे देनिंग्स क्रीवा का झूला रेडी कर रहे थे। यस क्योंकि थोड़ी देर हम लोग जैसे मतलब खाने के लिए बैठे गए तो सोच रहे हैं कि क्रीवा को ना झूला में झूले में बिठा दे तो वो आराम से खेलती रहेगी। क्रीवा को झूला बहुत पसंद है, वो बहुत एंजॉय करती है झूले में। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसे हम लोग तो झोली बोलते हैं गुजराती में, तो ये नई झोली है जो क्रीवा को गिफ्ट में मिली थी। ये साइज़ ना बहुत बड़ी है, पहली वाली जो थी ना वो छोटी थी, तो मैंने सोच के ही रखा था जब क्रीवा 2-3 महीने की हो जाएगी ना तो मैं चेंज कर दूँगी, और वो भी जब मैं वॉश करूँगी ये वाली तो मैं यूज़ कर पाऊँगी। लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नई ये झोली जो है वो लगा दी है। क्रीवा को हम बिठाएँगे झूले में और डिनर करेंगे। डिनर बाहर मतलब घर से हम पैक करके ही लाए थे, बाहर पहले सोचा था कि बाहर करेंगे, लेकिन मम्मी ने फटाफट डिनर बना ही दिया था जब हम आने वाले थे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ना इसलिए। वो है ना बोला था जवान गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे डिनर करने के लिए बैठे हैं और क्रीवा भी साथ में ही हमारे आराम से खेल रही है, दैनिक भी या तो ही है। और हम लोग डिनर घर पे बना के मतलब मम्मी ने बनाया था, मैंने
घर से बना के पैक करके ही लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पे गैस भी नहीं है, गैस भी ख़त्म हो गया है। तो गैस का भूला भी भाई लेके आया है, अभी थोड़ी देर पहले ही भाई फिट करके गया। सो कल से शायद यहाँ पे हम लोग कुक करेंगे अभी तो। और आप लोगों को शायद बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है क्योंकि फ़ैन ऑन है इसलिए। और मम्मी ये रही। चलिए फिर हम अपना डिनर कर लेते हैं, फिर बाद में मिलती हूँ। तो गाइस मैं फेस वॉश करके आई हूँ, अभी थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। और डेनिस सो गए हैं, मम्मी यहाँ पे है, और प्रीवा को ना हम लोगों ने झूले में सुलाया है। और प्रीवा की जो जोड़ी हम लोग आई थिंक गुजरात, पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, हम तो जोड़ी ही बोलते हैं। जो जोड़ी होती है ना झूले के बीच में जो सुलाने के लिए, तो वो हमने चेंज कर दी है। ये जो जोड़ी है ना ये प्रीवा को गिफ्ट में आई थी, और ये नई है, साइज़ भी काफ़ी बड़ी है। वो वाली थोड़ी छोटी साइज़ थी, तो मैंने सोचा ही था दो तीन महीने तक मैं ये जो मतलब झूले के साथ जो जोड़ी आई थी ना उसमें मैं सुलाऊंगी। अभी क्रीवा को वैसे भी 3 महीने ऊपर हो गया है ना, तो मैंने यहाँ पे क्रीवा की जो जोड़ी है ना वो चेंज कर दी है। उनके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये ना नेवी ब्लू, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मम्मी क्रीवा ने जोड़ी तो गाइस देखो यहाँ पे ना क्रीवा को ना काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है, अंदर से भी काफ़ी बड़ा है, तो कोई भी बच्चा आराम से सो सकता है। और अभी क्रीवा भी सोने ही वाली है, और मैं और मम्मी भी सोने वाले हैं। वीडियो को एंड करते हैं। अभी आप लोगों को मेरी जो न्यू जर्नी है, न्यू मॉम की लाइफ है, वो देखने को मिलने वाली है। कैसे मैं सब कुछ मैनेज करूँगी, कैसे पूरे घर को हैंडल करूँगी बेबी के साथ। और वैसे तो अभी मम्मी है, तो मम्मी के साथ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगी। और आने वाले दिनों में मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ ये जो मेरी न्यू जर्नी है वो शेयर करने में। और आई थिंक आप लोग भी इतना ही एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि मैं बेबी के साथ घर को कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे हैंडल कर रही हूँ। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ जो फुल रूटीन है मेरी वो यहाँ की मैं शेयर करने वाली हूँ। धीरे धीरे टाइम लगेगा, थोड़ा सा घर को सेट करते हैं, थोड़ा घर को सजाते हैं, क्योंकि घर भी इतने दिन से बंद था। सो आप लोगों ने देखा ही है कि कैसी हालत है घर की, तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मैं पहले क्या करती थी, एक ही दिन में बहुत सारा काम ले लेती थी और फिर तबीयत बिगड़ जाती थी। तो मैं इस टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। 2-3-4-5 दिन भी लग जाए, 1 हफ्ता भी लग जाए सेटल होने में, वो करेंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं। पहले मैं सोच रही हूँ क्रीवा का जो भी सामान है वो सेट कर लूँ, उसके बाद किचन का सामान, ये दो काम मुझे सबसे पहले करने हैं। तो कल से लगते हैं, वेट कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले किचन और क्रीवा का जो सामान है वो सेट करेंगे, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। मम्मी, मम्मी को भी नींद आ रही है, मम्मी गुड नाइट। गुड नाइट, चलिए फिर, बाय बाय।